हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे रूट लोकस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रूट लोकस के बारे में बताता हूँ। रूट लोकस होता क्या और इसका पर्पस क्या है। रूट लोकस, रूट मतलब रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और लोकस मीन्स पाथ। तो किसका पाथ? रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय वेरिंग के फ्रॉम 0 to infinity। अब k का वैल्यू को 0 to infinity से वैरी कराइए। अब देखिए कि जो रूट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, उसका पाथ कैसा जा रहा है, उसे प्लॉट कीजिए। यही होता है रूट लोकस। तो मेनली इसका पर्पस क्या होता है? टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। फिर होता है कि k का किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, फिर k के किस वैल्यू के लिए मार्जिनल स्टेबल होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर सिस्टम टू बी अंडर डैम्ड, अनडैम्ड, मार्जिनल डैम। फिर ये मेनली रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए फाइंड किया जाता है रूट लोकस। अब इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, तो मैं टोटल 3 वीडियो बनाऊंगा रूल्स के लिए। फर्स्ट में 3 रूल, फिर सेकंड में 2 रूल और थर्ड वीडियो में भी 2 रूल, फिर एग्जांपल्स का 2-3 वीडियो बनाऊंगा, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो पहला रूल क्या है रूट लोकस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए? रूट लोकस जो होता है वो क्या होता है, रूट लोकस डायग्राम सिमेट्री होता है रियल एक्सिस के। तो मैं पहले बताता हूँ रियल एक्सिस क्या होता है। तो ये एस प्लेन होता है, एस प्लेन ये पूरा हो गया, एस इज इक्वल टू होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ये रियल एक्सिस हो गया एक्स में, और ये हो गया इमेजिनरी है ना वाई में, इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस हो गया एक्स, तो जो भी रूट लोकस आप ड्रॉ करेंगे ना, तो ये सिमेट्रिक होगा, जैसा ऊपर होगा उसी तरह नीचे होगा। पहला रूल ये था। सेकेंड रूल है कि नंबर ऑफ लोसाई और रूट लोकस ब्रांचेस कितना होगा, कितना रूट लोकस ब्रांच होगा एक रूट लोकस के डायग्राम में। तो वो कैसे पता चलता है, और हमें पता है कि रूट लोकस ब्रांच है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पोल से, ओपन लूप पोल से, और ख़त्म कहाँ पे होता है, ओपन लूप जीरो पे। ये हमेशा याद रखिएगा, कहाँ से स्टार्ट होता है रूट लोकस ब्रांच, ओपन लूप पोल से, और ख़त्म कहाँ होता है, ओपन लूप जीरो पे। पोल से स्टार्ट होगी, जीरो पे ख़त्म होगा। फिर पोल पे के का वैल्यू क्या होगा, जीरो, और जीरो पे के का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। पोल पे के का वैल्यू जीरो और जीरो पे इन्फिनिटी। अब ये किस पे डिपेंड करता है कितना रूट लोकस ब्रांच होगा। अगर पोल का नंबर ज़्यादा है जीरो से, ये नंबर है, नंबर ऑफ पोल अगर बड़ा है जीरो से, तो नंबर ऑफ लोसाई और रूट लोकस ब्रांचेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल हो जाएगा। इसको आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर जीरो बड़ा है, जीरो का नंबर ज़्यादा है, सपोज ये 4 है और ये 2 ही है, तो नंबर ऑफ लोसाई हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, कितने नंबर ऑफ पोल्स है, 3 है ना, और जीरो कितना है, एक भी नहीं है, तो रूट लोकस ब्रांच होगा 3। रूल 3, कितना रियल एक्सिस रूट लोकस ब्रांच होगा, रियल एक्सिस पे कितना रूट लोकस ब्रांच होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि सम ऑफ पोल्स और जीरोज राइट साइड में कितना है उस पॉइंट के, है ना, रियल एक्सिस पे सम ऑफ पोल्स और जीरोस कितना है। अगर वो ऑड है तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा। एक क्वेश्चन से देखते हैं, जैसे ये एक क्वेश्चन है ना, GHHS दे रखा है, के एस प्लस वन, एस एस प्लस टू। अब इसको पहले प्लॉट कर लीजिए। एस प्लस वन मीन्स एस इक्वल टू माइनस वन पे एक जीरो है, पोल को मैं रेड से दिखाया हूं, माइनस टू पे पोल है, एक जीरो पे पोल है, एक माइनस थ्री पे और माइनस फोर पे। पहले इसको प्लॉट कर लीजिए। अब देखिए, ये एक पाथ है, क्या यहाँ पे रूट लोकस ब्रांच होगा, हाँ होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इस पॉइंट के राइट साइड में एक पोल है सिर्फ, है ना, वो ऑड है। यहाँ पे होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके राइट साइड में एवन नंबर ऑफ ऑड, एवन नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज है। इस पॉइंट पे होगा, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 हो गया, है ना, ऑड हो गया। तो अगर पोल्स प्लस जीरो क्या है, ऑड है, तो रूट लोकस ब्रांच एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे या पाथ पे, नहीं तो नहीं करेगा। अब यहां पे देखते हैं, पाथ एग्जिस्ट करेगा, कितने पोल्स या जीरोस है राइट में, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो इस पाथ पे, इस पॉइंट पे, सारे पाथ पे एग्जिस्ट करेगा रूट लोकस ब्रांचेस, और इस वाले पाथ पे नो रूट लोकस ब्रांच। और नोट में एक याद रखिए आप, कि द वैल्यू ऑफ k एट जीरो इज इन्फिनिटी एंड द पोल पे k का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एसिम्प्टोट्स और सेंट्रॉइड क्या होता है।